भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में एक और पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया है। भारतीय सेना ने पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल में बालाकोट सेक्टर के बसौटी और बालाकोट गांव में 9 जिंदा मोर्टार के गोले नाकाम किए हैं। भारतीय सेना के जवानों ने 120 मिलीमीटर के 9 जीवित मोर्टार के गोले दागे हैं, जिन्हें सेना ने नष्ट कर दिया। योगी सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी ने उपलब्धियां गिनवाई हैं। सीएम योगी ने कहा है कि उन्होंने हमेशा पीएम मोदी और अमित शाह की प्रेरणा से काम किया है। इस दौरान दोनों का मार्गदर्शन मिलता रहा है। योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने किसान के लिए कोई काम नहीं किया। हमने पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर कहा है कि हमने चुनौतियों को अवसर में बदलकर विकास किया है। 2 नए एम्स खोले गए हैं, 15 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं जो 7 साल में शुरू भी हो जाएंगे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 50 लाख नए बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। 90,000 स्कूलों में सफाई और नवीनीकरण किया गया है। 193 नए इंटरमीडिएट स्कूल खोले गए हैं। 1 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। यूपी में 2 लाख करोड़ का निवेश भी हो चुका है। यूपी में अपराध पर लगाम लगाए जाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी में कानून का राज स्थापित है, अपराधों में कमी आई है, दंगा नहीं हुआ है और सभी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार 41 नए थाने बना रही है। 75,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। एक नए फॉरेंसिक केंद्र की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। पहली बार देश के रक्षा मंत्री ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। राजनाथ सिंह करीब आधे घंटे तक तेजस विमान में ही रहे। 3 साल पहले ही तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया था। राजनाथ सिंह HAL के कर्मचारियों से भी मिले। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन को अमेरिका जाने के लिए एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमने भारतीय उच्चायोग को अवगत कराया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 27 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो चर्चित हाउडी मोदी सहित कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौता हो सकता है, जिससे भारत में आयातित आईफोन जैसे कई उत्पाद जो हैं वो सस्ते हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की आज मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि इस मुलाकात में पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को लेकर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि कुमार CBI के निशाने पर हैं और उन्हें बनर्जी का करीब माना जाता है। अमेरिका में हुई भारत और अमेरिकी सेनाओं की ज्वाइंट वॉर प्रैक्टिस का एक रोमांचक पल सामने आया है। वॉर प्रैक्टिस के दौरान अमेरिकी सेना के बैंड ने भारत के राष्ट्रगान जनगणमन की धुन बजाई। अमेरिकी सैनिकों के इस मनमोहक अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज एक अहम बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार और संगठन में समन्वय बनाकर चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। सेक्स रैकेट कांड में फंसे आरा से विधायक अरुण कुमार यादव के सरकारी आवास पर पटना पुलिस और भोजपुर पुलिस की टीम पहुंची। विधायक अरुण यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। लगभग 1 घंटे तक विधायक के सरकारी आवास पर पुलिस की टीम मौजूद रही। छापेमारी कार्रवाई चलती रही। हालांकि इस दौरान विधायक नदारद दिखाई।
ट्रैफिक नियमों में बढ़े जुर्माने के खिलाफ आज दिल्ली और एनसीआर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। आज दिल्ली में न तो टैक्सी चल रही है और न ही ऑटो। इस हड़ताल का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। टैक्सी और ऑटो चालकों ने सवारी ले जाने वाले वाहनों को जबरदस्ती रोक लिया है। इसकी वजह से कई जगह हंगामा भी हुआ है। बाद में यात्रियों को गाड़ी से उतार दिया गया। बढ़े चालान शुल्क को लेकर आज दिल्ली एनसीआर में ऑटो, बस और ट्रक चालक हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते जिले के स्कूल भी बंद हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नोएडा के सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर चल रहे ऑटो को रुकवाया। मेरठ में सड़क पर सरेआम लड़कियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दो लड़कियों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर लात घूंसे भी चलाए, जबकि बाकी लड़कियां एक दूसरे के साथ मारपीट करती देखी गई। काफी देर तक सड़क पर लड़कियों का ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो चलता रहा, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सड़क पर लगी तमाशा देखने वालों की भीड़, राहगीरों ने बीच बचाव जरूर किया, लेकिन ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 58 में सन्नाटा नजर आ रहा है। यही नहीं, हड़ताल का असर निजी स्कूलों पर भी पड़ रहा है। आज सभी स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर मुकेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सभी ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर है। फरीदाबाद में भी हड़ताल के चलते करीब 3 से 4 करोड़ का नुकसान आंका गया है। हमीरपुर में दो बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। हादसे के बाद राहगीरों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायल को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। कानपुर से झांसी आए पीएफ इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव जांच करने पहुंचे, जहां जांच में पीएफ इंस्पेक्टर को दस्तावेजों में काफी गड़बड़ियां मिली हैं। गड़बड़ी मिलने पर पीएफ इंस्पेक्टर ने स्कूल प्रशासन को नोटिस भेजा है, जिससे कि गुस्साए स्कूल प्रशासन ने पीएफ इंस्पेक्टर और उनके ड्राइवर को बंधक बना लिया और उनके साथ पिटाई की। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें मुक्त करवा लिया। तीन तलाक कानून के बाद भी ट्रिपल तलाक के मामले में सरकार की चिंता और भी बढ़ा दी है। गोंडा के खंडूरी गांव की रहने वाली सबावानों के साथ उसके शौहर ने मारपीट की और तीन तलाक दे दिया। फिलहाल पीड़िता ने शिकायत की है, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। प्रयागराज में गंगा और यमुना में आई बाढ़ के पानी ने हाहाकार मचा दिया है। हालात से निपटने के लिए अब सेना की मदद का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ में फंसे हुए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स से मदद मांगी गई है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना में आई बाढ़ से 5,000 के लगभग की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई मोहल्ले तो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। कई जगह हालात इतने बदतर हैं कि लोगों के घरों की पहली मंजिल पूरी तरह से डूब गई है। तकरीबन 1,00,000 लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए। सिद्धार्थनगर जिले के बासी तहसील क्षेत्र में सरयू नहर खंड की नहर पर बना पुल टूट जाने से दर्जनों गांव के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तमाम शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की जा रही है। संभल में वाहनों की चेकिंग के लिए जनपद के एसपी सड़क पर खुद निकले, जिसके बाद उन्होंने ट्रैफिक को चेक किया। देर रात चलाए गए इस अभियान में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बिना हेलमेट और एयरफोन लगाकर गाड़ी चला रहे लोगों को पकड़ा और उन पर कार्रवाई की गई। देवरिया जिले के प्रभारी मंत्री श्री राम चौहान ने विकास भवन सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और हर हाल में जनता को न्याय दिलाने की बात कही। प्रभारी मंत्री ने कहा कि योगी जी की अगुवाई में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। सभी वर्ग को भाजपा सरकार में सुविधा मिल रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही सुभाष बराला,
हरियाणा प्रभारी अनिल जैन और सुरेश भट्ट मौजूद रहे। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर सुभाष बराला ने कहा कि ये दो दलों की बात है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में निर्णय लेगा। बहादुरगढ़ में रेलवे रोड स्थित संत कॉलोनी के मकान में अचानक आग लग गई, जिससे कि घर में रखा इलेक्ट्रॉनिक का सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गया। हालांकि इस दौरान घर के ऊपर बने कमरे में सो रहे दंपति को फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगाकर निकाल लिया। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। बाला छावनी के कंटोनमेंट बोर्ड में नव नियुक्त ब्रिगेडियर वीएस संख्यान ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और कार्यनिष्ठा की शपथ ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कंटोनमेंट बोर्ड की तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड में तीन बच्चों वाले उम्मीदवार भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में 26 जुलाई 2019 के बाद ही प्रावधान लागू होंगे। कोर्ट ने कहा है कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके भी तीन बच्चे होंगे वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के फैसले के बाद हाईकोर्ट में कई कांग्रेस और कई प्रधान और संगठनों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने फैसला नियम के खिलाफ लागू किया। रौंडा में हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आने से एक लड़की घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक 15 साल की अंजलि हरियाणा रोडवेज की बस में सवार हो रही थी और बस में चढ़ते वक्त अंजलि का पांव फिसल गया और उसका पांव बस के पहिए के नीचे आ गया। फिलहाल उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरिद्वार पहुंची वीएचपी नेता साध्वी प्रज्ञा प्राची ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान को शर्मनाक बताते हुए साध्वी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और माफी मांगने की बात कही। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने भगवा वस्त्र पहनने वालों को बलात्कार बताया। हरिद्वार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रात के समय हुई मूसलाधार बारिश से एक स्कूल की जर्जर हो चुकी छत भरभराकर गिर गई। हालांकि हादसे के वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन मुख्य बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आए। देहरादून पुलिस ने नकली नोटों का व्यापार करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को थाना क्लेमिन टाउन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिरों से नकली 6,49,000 की भारतीय करेंसी समेत दो प्रिंटर, चार प्रिंटिंग कार्टिज, एक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पकड़े गए दोनों शातिर लंबे समय से नकली नोट छापने का धंधा चला रहे थे। फिलहाल इस पूरे धंधे का मास्टरमाइंड संजय शर्मा अभी भी फरार चल रहा है। सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने बद्रीनाथ धाम का दौरा किया है, जहां उन्होंने पत्नी के साथ भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। इसके अलावा बिपिन रावत ने मंदिर समिति के लोगों से मुलाकात भी की और देश की सुरक्षा और अखंडता की कामना की। सीकर में अपहरणकर्ता युवक से की गई मारपीट, युवक के दोनों पैर तोड़े गए, 1,35,000 लूट कर फरार हो गए अपहरणकर्ता। आपको बता दें कि बदमाशों ने कृषि उपज मंडी के पास गाड़ी में सो रहे एक युवक का अपहरण किया, जिसके बाद पैसे लूट कर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। फ्लिपकार्ट पर बिल बिलियन डेज की शुरुआत 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें फ्लिपकार्ट ने कुछ मोबाइल पर छूट की जानकारी दी है। सेल के दौरान ई कॉमर्स कंपनी ने ICICI क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दिया है। सेल में कई स्मार्टफोन्स पर भी छूट दी जाएगी। अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 29 सितंबर को आधी रात से शुरू हो जाएगी। ये सेल 4 अक्टूबर तक चलेगी। अमेजॉन के प्राइम मेंबर्स 28 सितंबर को दोपहर 12 बजे से ही सेल में खरीदारी कर सकेंगे। अमेजॉन की सेल में स्मार्टफोन्स, टेलीविजन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर शानदार डील्स उपलब्ध होंगी। SBI के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
Xiaomi ने अपने MI Smart Band 4 को भारत में लॉन्च किया है। अब इस फिटनेस बैंड को पहली बार सेल में उपलब्ध कराया जाएगा। MI Smart Band 4 की सेल आज भारत में दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। ग्राहक इसे Amazon India वेबसाइट पर और Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तेल विपणन कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन आज पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी वृद्धि की है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और डीजल 19 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जिस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 72 रुपए 71 पैसे और डीजल 66 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 91.55 अंक की गिरावट के बाद 36,472.33 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी की बात करें तो 33.30 अंक यानी कि 0.31% की गिरावट के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10,807.40 के स्तर पर। अक्टूबर से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन के लिए हवाई यात्रा के किराए में इस महीने मुकाबले 6% बढ़ गए हैं। ये पिछले साल के त्योहारी सीजन के मुकाबले ज्यादा है। एयरलाइन और ट्रैवल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स ने हालांकि कहा कि सैर सपाटे से जुड़ी डिमांड दिख रही है सुस्ती के कारण। एयर फेयर अप्रैल जून तिमाही में ऊंचे स्तरों से कम ही रहेंगे। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों की बढ़िया गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका को 149 रन 5 विकेट के नुकसान पर रोका गया। इसके बाद कप्तान विराट कोहली की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। विराट कोहली ने रोहित शर्मा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रनों के मामले में रोहित शर्मा का रनों का जो विश्व रिकॉर्ड था उसे तोड़ा है। अब विराट के T20 में 2,441 रन हैं तो वहीं रोहित शर्मा भी 2,434 रन बनाकर दूसरे पायदान पर। ऋषभ पंत ने एक बार फिर भारतीय फैंस को निराश किया है। ऋषभ केवल 4 रन बनाकर खराब शॉट खेलकर आउट हो गए जिसके कारण उन्हें भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऋषभ से सभी को काफी उम्मीद थी क्योंकि टीम में उनका चयन पूर्व कप्तान धोनी की जगह हुआ। भारतीय टीम ने मोहाली में खेले गए दूसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने इसी के साथ अपने ही देश में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार किसी T20 इंटरनेशनल मैच में जीत का स्वाद चखा और अपने पुराने दांव को धो लिया। मोहाली T20 मैच में हार के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डिकॉक ने हार का कारण बताते हुए कहा कि भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम की वजह से हमें हार मिली है। उन्होंने कहा कि टॉप 3 बल्लेबाजों को आउट करने में हम मैच जीत सकते थे। इसके अतिरिक्त डिकॉक ने गेंदबाजी को भी एक अहम कारण बताया। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। आईफा ने 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। बॉलीवुड सेलेब्स का स्टाइलिश और फैशनेबल अवतार देखने को मिला है। अवार्ड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट को फिल्म राजी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। वहीं रणवीर सिंह को पद्मावत के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। कई स्टार्स ने अवार्ड अपने नाम किए। मुंबई में आईफा अवार्ड्स का रंगारंग कार्यक्रम में सलमान खान ने भी शिरकत की है लेकिन सलमान की एंट्री अकेले नहीं हुई। उनके साथ एक खूबसूरत एक्ट्रेस भी नजर आई। सलमान खान ने आईफा अवार्ड्स में एक्टर महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर के साथ एंट्री की। सलमान खान के साथ मिलने से सई के अवार्ड नाइट में जबरदस्त चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान दबंग 3 से महेश मांजरेकर की बेटी सई को लॉन्च कर रहे हैं। दबंग 3 सई की पहली बॉलीवुड फिल्म है। मुंबई में मेट्रो यार्ड के निर्माण के लिए RA1 में
2700 से अधिक पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अमिताभ ने मित्रों के समर्थन में ट्वीट किया है, जिसके बाद लोग भड़क गए और उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। अब अमिताभ के बाद अक्षय कुमार ने भी मित्रों के सपोर्ट में ट्वीट किया है और जिसमें मित्रों की तारीफ की गई। टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस एक बार फिर आने वाले हैं। ये शो 29 सितंबर से रात 9 बजे शुरू होगा। हर सीजन में एक ऐसा कंटेस्टेंट जरूर होता है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनता है। ऐसे में दर्शक काफी उत्सुक हैं कि इस बार कौन बाकी कंटेस्टेंट्स की नाक में दम करेगा। बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने पहली बार फिल्म वीरे की वेडिंग में साथ काम किया था, जो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और पिछले साल रिलीज हुई थी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म से शुरू हुई दोनों की दोस्ती फिल्म पागलपंती के दौरान प्यार में बदल गई है। इन दिनों दोनों सितारे पागलपंती की शूटिंग में बिजी हैं। दोनों साथ में खूब क्वालिटी टाइम भी बिता रहे हैं और दोनों एक ही रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं।